तो गाइस तब से ये डब्बा ढूंढते ढूंढते हालत बहुत लंबी ट्रेन है, तो ये हमारा M1 है। अब इसमें जाते हैं अंदर। सीट्स मतलब बहुत ही लंबी ट्रेन है, तो इस वजह से ये बेसिकली जो न्यू ट्रेन चली है तो ये थोड़ी अच्छी ट्रेन है। फाइनली मिल गया डब्बा। मैंने अभी सामान रख दिया है, एक ये वाली सीट मिली है, एक इधर वाली है, एक दो इसके पीछे है। तो बेसिकली ट्रेन न्यू चली हुई है, अच्छी है काफ़ी। और अभी तो बड़ी गर्मी हो रही है, अभी ए सी ऑन नहीं, जब ट्रेन चली थी तभी स्टार्ट हुआ। तो अभी आपको दिखाता हूँ आगे फिर के लिए। गाइस जो न्यू वाली ट्रेन चली है इसमें क्या है कि AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास की, तो ये ट्रेन जो है इसमें क्या है कि हमें AC बैंड दिए हुए हैं यहीं पे। ये देखो, अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो इसको ऐसे बंद कर दो AC बैंड को, और अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है मतलब AC चाहिए आपको ज़्यादा वाला, वैसे तो कूल रहते हैं ये पूरा डब्बा, तो इस एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इसको खोल दो ऐसे AC बैंड्स को, बस ऐसे खुल जाएंगी। बाकी इसमें देखो सीट्स दे रखी हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं थोड़ी, प्लस इसमें यहाँ पे बटन दे रखा है देखो लाइट का, कि अगर आपको रात में लाइट चाहिए तो। गाइस ये आ गया विजयवाड़ा, विजयवाड़ा महाराष्ट्र। ये शहर बसा हुआ है, मतलब एक तो मेट्रो सिटी टाइप लग रहा है, बट ये पहाड़ के साइड में है। मतलब जैसे हमारे यहाँ हल्द्वानी बसा हुआ है उत्तराखंड में, बट हल्द्वानी इतना डेवलप्ड नहीं है जितना ये है विजयवाड़ा। ये बहुत ही डेवलप्ड सिटी है, और पहाड़ देखो आप, यहाँ पहाड़ भी देख सकते हो। ये है चेंगलपट्टू, चेंगलपट्टू काफ़ी सुंदर जगह है। अभी नीचे उतरने का तो है नहीं, तो इस वजह से ट्रेन से आपको दिखा रहा हूँ। देखो इसके आसपास पूरा सिटी है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे।